बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 16.4 जिसका नाम है एसी थ्रू आ कैपेसिटर। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो था एसी थ्रू आ रेजिस्टर, उसमें हमने रेजिस्टर यूज़ की थी और इसमें हम यूज़ करेंगे कैपेसिटर। फिगर 16.8 इसमें हमने एक कैपेसिटर यूज़ किया है और एसी सोर्स यूज़ किया और एक स्विच एस यूज किया है। इसे इस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ ड्रा करेंगे और ये किस तरह से पूछा जा सकता है। हाउ एसी फ्लोज थ्रू अ कैपेसिटर, राइट द रिलेशन बिटवीन चार्ज ऑन अ कैपेसिटर एंड द वोल्टेज अक्रॉस इट्स प्लेट्स। उसके बाद इस तरह से भी पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन एसी थ्रू कैपेसिटर, या इस तरह से भी ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, एक्सप्लेन द पैसेज ऑफ एसी थ्रू अ कैपेसिटर इन डिटेल। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट कैन फ्लो थ्रू अ रेजिस्टर बट इज नॉट ऑब्वियसली दैट हाउ इट कैन फ्लो थ्रू अ कैपेसिटर। दिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द सर्किट एज शोन इन फिगर। अ लो पावर बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 1 माइक्रो फैरड कैपेसिटर टू सप्लाई मेन्स थ्रू अ स्विच। इसका क्या मतलब है कि एक लो पावर बल्ब को कनेक्ट करेंगे सीरीज में जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रो फैरड कैपेसिटर, और 1 माइक्रो फैरड कैपेसिटर सप्लाई करेंगे स्विच के जरिए से। व्हेन द स्विच इज क्लोज लाइट्स अप शोइंग दैट द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर। जब हम इसे एसी सोर्स एसी करंट अप्लाई करेंगे कैपेसिटर को और उसके साथ जो बल्ब अटैच किया गया है वो ग्लो करेगा। डायरेक्ट करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू अ कैपेसिटर कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अगर हम डायरेक्ट करंट अप्लाई करेंगे तो कैपेसिटर उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। उसके बाद है इसमें जो हम इक्वेशन यूज करेंगे कैपेसिटर की, वो है क्यू इज इक्वल टू सी वी, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद है वोल्टेज की वैल्यू वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट विल बी गिवन बाय। उसके बाद है क्यू इज इक्वल टू सी वी और इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे नेक्स्ट सी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद है वेयर सी एंड वी नॉट आर कॉन्स्टेंट इट इज ऑब्वियस दैट क्यू विल वेरी द सेम वे एज अप्लाइड वोल्टेज दैट इज वी एंड क्यू आर इन फेज। इसमें से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। इसके साथ हम इस फिगर ए को भी ड्रा करेंगे जिसमें प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज है और दोनों इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि एसी सोर्स में जो करंट है वो कंटिन्यूसली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है। इसी तरह नेक्स्ट इसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसमें जो चार्ज है ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सिंस सी वी नॉट आर कॉन्स्टेंट इट इज ऑब्वियस दैट क्यू विल वेरी द सेम वे एज अप्लाइड वोल्टेज वी एंड क्यू आर इन फेज। द करंट आई इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यू विद टाइम, तो ये इक्वलाइज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइडेड बाई डेल टी। सिंस सो द वैल्यू ऑफ आई एट एनी इंस्टेंट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग स्लोप ऑफ क्यू टी कर्व एट ओ वेन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो द स्लोप इज मैक्सिमम। सो आई इज मैक्सिमम, अगर स्लोप मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम होगा। इसमें से भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। इसी तरह फ्रॉम ओ टू ए स्लोप ऑफ द क्यू टी कर्व डिक्रीजेस टू जीरो सिंस आई इज जीरो। अगर स्लोप डिक्रीज करती है यानी कि जीरो है तो करंट आई भी जीरो होगा। उसके बाद है क्यू टी कर्व इज नेगेटिव एंड सो आई इज नेगेटिव फ्रॉम एंड टू आर। सो दिस इन दिस वे द कर्व पी एन आर एस टी गिव्स द वेरियस ऑफ वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम। इसके साथ हम इस वेवफॉर्म को ड्रा करेंगे। यहां तक हम इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज अ मेजर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ एसी। इट इज यूजली रिप्रेजेंटेड एज एक्स सी। इट्स वैल्यू इज गिवन बाय रिएक्टेंस को डिनोट करते हैं एक्स सी के साथ और ये इक्वल है वी आर एम एस डिवाइडेड बाय आई आर एम एस मीन्स रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू। उसके बाद है वेयर वी आर एम एस इज द एम आर एस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड आई आर एम एस इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ द
करंट पासिंग थ्रू द कैपेसिटर, द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज ओहम। इसमें से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। इसके बाद है एक्स इज इक्वल टू 1/2 πfc, और उसके बाद है 1/ωc, यानी कि इसमें जो ओमेगा है वो है 2 πf की, और इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट की है। यहाँ तक हम इस लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है 16.2। इसकी स्टेटमेंट है 100 μF कैपेसिटर, 100 μF कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज 24 वोल्ट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 Hz। कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, और उसके बाद द करंट इन द सर्किट। इसका सोल्यूशन हम कंप्लीट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 16.5, जिसका नाम है एसी थ्रू एन इंडक्टर। इससे पहले हमने टॉपिक किया एसी थ्रू अ रेजिस्टर, उसके बाद टॉपिक किया एसी थ्रू अ कैपेसिटर, और अब हम करने लगे हैं एसी थ्रू एन इंडक्टर। ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक किस तरह से पेपर में पूछा जा सकता है। व्हाट इज एन इंडक्टर, डिस्कस द बिहेवियर ऑफ एन इन एन एसी सर्किट एंड राइट एक्सप्रेशन फॉर द इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। एन इंडक्टर इज यूजली इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल और अ सोलिनाइड वुड फ्रॉम अ थिक वायर सो दैट इट हैज अ लार्ज वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड हैज अ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद ये फिगर इसमें ड्रा करेंगे। इसमें हमने यूज किया है एसी सोर्स, जिसका जो हाफ साइकिल है वो पॉजिटिव है और हाफ साइकिल नेगेटिव है, और उसके साथ हमने यूज किया है इंडक्टर, इसे हम डिनोट करते हैं एल के साथ। हमें पता है कि करंट इक्वल है आई नोट साइन 2 πfT के। इफ एल इज द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, द चेंजिंग करंट सेटअप्स अ बैक EMF कॉइल ऑफ मैग्नीट्यूड, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, EL इज इक्वल टू L डेल I ओवर डेल T। उसके बाद है टू मेंटेन द करंट द अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू बैक EMF, द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल मस्ट देयरफॉर बी इक्वल टू V इज इक्वल टू L डेल I ओवर डेल T। यानी कि इसमें यहां पर EL की जगह पे हमने V लिखा है। उसके बाद है सिंस एल इज कॉन्स्टेंट वी इज प्रोपोर्शनल टू डेल आई ओवर डेल टी एज शोन इन फिगर, हाउ द करंट आई वेरीज विद टाइम, द वैल्यू ऑफ डेल आई ओवर डेल टी इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ आई टी कर्व एट द वेरियस इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, एट ओ द वैल्यू ऑफ द स्लोप इज मैक्सिमम, ओ पोजिशन पे जो स्लोप की वैल्यू है वो है मैक्सिमम, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी इक्वल टू वी नॉट अकर्स एट ओ एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय OP एज शोन इन फिगर, फ्रॉम O टू A द स्लोप ऑफ IT ग्राफ डिक्रीजेज टू जीरो, सो द वोल्टेज डिक्रीजेज फ्रॉम V नॉट टू जीरो। इसमें से भी MCQs पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक इस पैराग्राफ को हम कम्प्लीट करेंगे। इस पेज में से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है वट इज इंडक्टिव रेजिस्टेंस, वो है वट इज इंडक्टिव रेजिस्टेंस। ये स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव रेजिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज अ मेजर ऑफ द ओपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टेंस कॉइल टू द फ्लो ऑफ AC, इट इज यूजली डिनोटेड बाय XL, और ये इक्वल है VRMS डिवाइडेड बाय IRMS। इफ V इज RMS वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टेंस एंड IRMS वैल्यू ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट, द वैल्यू ऑफ XL इज गिवन बाय XL इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाय IRMS, और ये इक्वल है 2 πfL के, और 2 πf की जगह पे हम लिखेंगे ओमेगा, और ये इक्वल आएगा ओमेगा L के। उसके बाद है द रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल देयर फॉर डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC एंड द इंडक्टेंस L। इसमें से भी MCQs पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ बोथ F एंड L इज एक्सप्रेस्ड इन हेनरी, F इन हर्ट्ज एंड XL इन ओहम्स, ये इनके यूनिट्स हैं, इसमें से भी MCQs पूछे जाते हैं। उसके बाद है इज लो XL इज स्मॉल बट XC इज लार्ज फॉर हाई F, XL इज लार्ज बट XC इज स्मॉल, द बिहेवियर ऑफ द रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है चौक की, ये किस तरह से पूछी जा सकती है, डिफाइन योर व्हाट इज चौक। तो ये स्टार्ट करते हैं। द कॉइल इज ऑफन
एम्प्लॉयड फॉर कंट्रोलिंग एसी विदाउट कंजप्शन ऑफ एनर्जी सच एन इंडक्टेंस कॉइल इज नोन एज चौक। इसकी डेफिनेशन में से एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसमें से जो एमसीक्यूज पूछा जाता है वो है, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द साइकिल बोथ वी एंड आई आर पॉजिटिव सो द पावर इज पॉजिटिव विच मीन्स इनर्जी सप्लाइड टू इंडक्टर। उसके बाद है, इन द सेकेंड क्वार्टर वी इज पॉजिटिव बट आई इज नेगेटिव नाउ पावर इज नेगेटिव, कि अगर वी और आई पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव है और अगर वी और आई नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव है। इस तरह से इसमें से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था जिसमें हमने डिस्कस किया एसी सर्किट्स के बारे में। नेक्स्ट में हम इसी चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।